स्टूडेंट देखने के कैरियर के अच्छे सूरतगढ़ में आपका स्वागत है। मैं संदीप जय आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से अपनी आगामी क्लासें ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज बात अच्छा बच्चों आज करेंगे पढ़ केसीएल के बारे में, किरचॉफ धारा नियम के बारे में। तो सबसे बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, हिंदी में इसे अपन बच्चों बोलेंगे किरचॉफ का धारा नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली वह जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। तो स्टेटमेंट बच्चों क्या है, कथन क्या है? इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब अपन बात करेंगे कि ये संधि बिंदु क्या है। संधि बिंदु का मतलब बच्चों है कि अगर अपने पास दो से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं, तो वह बिंदु संधि बिंदु होगा। वह बिंदु क्या होगा? संधि बिंदु होगा। ये अपने एक बच्चों संधि बिंदु बना रहे हैं। एक शाखा ये होगी, एक शाखा ये होगी और तीसरी शाखा अपने पास क्या होगी बच्चों? ये होगी। अगर ये केवल दो ये शाखाएं होती तो ये संधि बिंदु नहीं होता। अपने पास कितनी शाखाएं होगी बच्चों? तीन शाखाएं। तो ये जो बना वो क्या बना? संधि बिंदु। अब इस नियम के अनुसार अगर अपन बात करें कि धारा I1 इस बिंदु पे आ रही है और धारा I2 जा रही है और धारा I3 भी जा रही है, तो इस नियम के अनुसार आने वाली धारा कौन सी होगी बच्चों? I1। केसीएल में आने वाली धारा को हमेशा प्लस के निशान के साथ प्रदर्शित किया जाता है, वह जाने वाली धाराओं को माइनस के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसकी कल्पना अपन इस हिसाब से कर सकते हैं बच्चों कि अगर अपने घर में कोई इंसान या व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तो वो इंसान क्या होता है? प्लस होता है और जाने वाला क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो अब अपन क्या लिखेंगे? आने वाली धारा कौन कौन सी है बच्चों? इसमें आने वाली धारा मात्र कौन सी है? आई वन। और जाने वाली कौन कौन सी बच्चों? आई टू और आई थ्री। अब ये जाने वाले थे तो अपने क्या लिखा है निशान? माइनस का। बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? जीरो। यानी इनका बीज योग इसके बराबर होगा बच्चों? जीरो के बराबर होगा। अपन इन धाराओं के मान के साथ भी ये नियम अपन सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए कि I1 का मान कितना एम्पीयर बच्चों? 5 एम्पीयर। I2 का मान कितना एम्पीयर है? 2 एम्पीयर। इसी प्रकार इस धारा I3 का मान कितना बच्चों? 3 एम्पीयर।
तो अगर अपन मान लिखते हैं तो आई वन का मान बच्चों कितना प्लस का 5, आई टू कितना माइनस का 2, और आई थ्री कितना बच्चों माइनस का 3। अगर अपन इसको जोड़ दें तो 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा 0। तो इस नियम के अनुसार इसी स्थिति बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। जहां हम एक से अधिक बैटरी परिपथ में संयोजित हो उनमें धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए अपन किरचॉफ का धारा नियम काम में लेते हैं। अपन बच्चों पहला क्वेश्चन कर रहे हैं किरचॉफ के धारा नियम से। ये एक आपको परिपथ दिया गया है, यहां 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, और ये कितने ओम का है 4 ओम का। 1 ओम के प्रतिरोध को 10 वोल्ट तथा 4 ओम के प्रतिरोध को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। किरचॉफ के धारा नियम से हमें 1 ओम 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा मान ज्ञात करना है। अब इस परिपथ को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है संधि बिंदु। तो इस बिंदु पर आपके पास 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। सबसे पहले अपन संधि बिंदु देखेंगे और इस संधि बिंदु पे एक वोल्टेज लगाएंगे वी, जिसे कि अपन सुपर वोल्टेज मानेंगे, और इसका जो आवेश होगा यहाँ पे क्या होगा धनात्मक होगा। तो सबसे पहले अपन परिपथ को हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे सुपर वोल्टेज लगाएंगे, इसके पेट में हमें लगाएंगे क्या रखेंगे धनात्मक आवेश, क्या रखेंगे बच्चों धनात्मक आवेश। अब अगर ये अधिकतम वोल्टेज है तो अपन कल्पना करेंगे कि धारा आई वन यहाँ जा रही है, आई टू यहाँ जा रही है और धारा आई थ्री यहाँ जा रही है। अब इस संधि बिंदु पर केसीएल के अनुसार संधि बिंदु पर केसीएल के अनुसार केसीएल के अनुसार क्योंकि तीनों धाराओं को हमने इस बिंदु से जाते हुए दिखाया है तो -I1 -I2 -I3 बराबर कितना होगा बच्चों 0 होगा। यदि हम इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा करते हैं तो अपने इसे लिखेंगे बच्चों I1 + I2 + I3 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 0। अब हमें धारा I1 धारा I2 व धारा I3 के मान इस वोल्टेज के अनुसार रखने हैं। अगर अपन धारा I1 की बात करें बच्चों तो धारा I1 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रवाहित हो रही है, इस बैटरी के कारण प्रवाहित धारा इस वोल्टेज के क्या होगी विपरीत होगी, इसलिए अपन इस दर प्रवाहित धारा I1 का मान लिखा जाएगा V -10/1। धारा I2 इस 2 ओम में प्रतिरोध हो रही है, इसके साथ कोई भी वोल्टेज संयोजित नहीं है जो विरोध नहीं करेगी, तो धारा I2 का मान होगा बच्चों V/2। इसी प्रकार धारा I3 में 4 ओम के प्रतिरोध के साथ 2 वोल्ट बैटरी संयोजित है जो कि इस धारा क्या करती है विरोध करती है, तो अपन लिखेंगे V -2/4। हमने धारा I1 धारा I2 व धारा I3 के मान लिख दिए। इस समीकरण को हल करने पर सबसे पहले अपन लघुत्तम लेंगे LCM, तो इसका जो लघुत्तम अपने को प्राप्त होगा बच्चों वो कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 बार जाएगा तो इसे अपन लिखेंगे 4V -40
इसे लिखेंगे दो बार जाएगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, दो वी, इसको लिखेंगे अपन वी माइनस का दो बराबर कितना का बच्चों जीरो। इसे इसे गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा बच्चों जीरो। तो अपने पास समीकरण जो बचेगी वो बचेगी चार वी माइनस चालीस प्लस दो वी प्लस वी माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा जीरो। चार और दो छः सात वी बराबर बच्चा अपने पास हो जाएगा बयालीस। तो वी बराबर अपने पास बच्चा आएगा बयालीस बटा में सात, ये कितना वोल्ट आएगा बच्चों छः। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों आप ले सकते हैं, या गलती से ये 72 लिखा गया तो आप इसे बच्चों सही कर लें 42 डिवाइड बाय सात करें तो कितना वोल्ट मिलेगा आपको 6 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ भी अपने को क्या करना बच्चों प्लस का साइन करना है, उसके बाद आपकी सारी क्वेश्चन क्या है सही है, यानी जिस वोल्टेज को अपने माना था उस वोल्टेज का मान बच्चों अपने को कितना प्राप्त हो चुका है 6 वोल्ट। अब अपन क्या करेंगे धारा आई वन आई टू आई थ्री के मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा आई वन का मान देखिए बच्चों कितना आएगा, धारा आई वन बराबर अपने पास बच्चों क्या था V माइनस दस बटा में एक। तो धारा I1 का मान अपने पास कितना आएगा, इस V का जो मान अपने याद किया बच्चों कितना मिला आपको 6, तो 6 माइनस दस बटा में कितना है बच्चों एक माइनस का 4 एम्पीयर। अगर आपके पास मान माइनस का प्राप्त होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का निशान ये दिखाएगा कि जो अपने धारा की दिशा मानी है उससे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा की दिशा क्या थी बच्चों आई वन की ये थी। इसी प्रकार अपन आई टू का मान निकालेंगे बच्चों, धारा आई टू बराबर वी बटा में दो, और वी का मान अपना कितना प्राप्त हो बच्चों 6 बटा में दो, ये कितना एम्पीयर आ गया बच्चों 3 एम्पीयर। इसी प्रकार धारा आई थ्री बराबर बच्चों अपने पास होगा 4 माइनस 2 बटा में 4, ये अपने पास बच्चों कितना 2 बटा में ये माइनस नहीं बच्चों 2 बटा में 4, इसको सही करें बच्चों। आई थ्री का मान आपको लिखना है आई थ्री बराबर 6 माइनस 2 बटा बच्चा 4, ये अपने पास मान प्राप्त होगा 4 बटा में 4 बराबर कितना होगा बच्चों 1 एम्पीयर। तो अपने पास जो धाराएं अपन को ज्ञात करनी थी आई वन आई टू आई थ्री के मान आपको प्राप्त हो चुके हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब अपन इसे प्रूव करते हैं कि हमारा जो केस है वो सिद्ध हुआ अग्नि। अपने पास I1 का मान कितना एम्पीयर है बच्चों 4 एम्पीयर। अपने जो I1 की धारा की दिशा क्या मानी थी विपरीत, ये एक ओम में प्रवाहित धारा की दिशा 4 एम्पीयर इस ओर होगी। धारा I2 व I3 के मान धनात्मक प्राप्त हुए हैं तो अपने को धारा दिशा चेंज करने की जरूरत नहीं है। दो ओम में I2 का मान अपने को कितना प्राप्त हुआ बच्चों 3 एम्पीयर। इसी प्रकार 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अपने को प्राप्त हुआ बच्चों 1 एम्पीयर। आने वाली धारा का मान कितना बच्चों यहां पे 4 एम्पीयर, जाने वाली धारा का मान कितना है 4 एम्पीयर। आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री बराबर कितना होगा बच्चों 0, 4 माइनस 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा बच्चों 0। तो बच्चों इस प्रकार आप केसीएल के द्वारा तीनों प्रतिरोध में धारा मान ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तीन वोल्टेज सोर्स का, कितने वोल्टेज सोर्स का 3 वोल्टेज सोर्स का।
दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, दो तीनों व छह ओम, दो ओम के प्रतिरोध के श्रेणी में दो वोल्ट, तीन ओम के प्रतिरोध के श्रेणी में एक वोल्ट व छह ओम के प्रतिरोध के श्रेणी में चार वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया गया है। हमें धारा दो ओम में, तीन ओम में व छह ओम में ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम संधि बिंदु देखेंगे, जहां दो से अधिक शाखाएं बनेंगी वहां क्या लगाएंगे, संधि बिंदु, और यहां लगाएंगे सुपर वोल्टेज, जिसका ये पॉइंट अपने क्या माना बच्चों, धनात्मक पॉइंट माना है। अगर ये अधिकतम वोल्टेज है तो सभी धाराएं क्या प्रवाहित होंगी, यहां से प्रवाहित होंगी आई वन आई टू व आई थ्री। केसीएल के अनुसार संधि बिंदु पर धारा का जोड़ किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। धारा I1 आपकी इस पॉइंट से लेके यहां इस पॉइंट तक प्रवाहित हो रही है, इसका बैटरी का धनात्मक पॉइंट और इसका धनात्मक पॉइंट एक दूसरे क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो प्रवाहित धारा I1 बराबर लिखा जाएगा V माइनस दो बटा में दो। इसी प्रकार एक वोल्ट की बैटरी इस तीनों में प्रवाहित धारा का इस प्रकार क्या करेगी, विरोध करेगी, तो धारा का मान लिखा जाएगा I2 बराबर V माइनस एक बटा में तीनों प्लस छह ओम में प्रवाहित धारा इस चार ओम की बैटरी का विरोध करेगी, तो प्रवाहित धारा लिखी जाएगी V माइनस चार बटा में छह ओम बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, जीरो। परिपथ में हमेशा अगर आपको सेम साइन मिलते हैं बच्चों, तो ये मान आप क्या लिखेंगे, माइनस में, यहां प्लस, यहां प्लस, तो मान क्या लिखोगे, माइनस, V माइनस का दो, यहां प्लस, यहां भी प्लस, क्या लिखोगे, V माइनस का एक, यहां प्लस क्या लिखोगे, V माइनस चार बटा में छह। अब अपन समीकरण को हल करते हैं बच्चों, इसका जो अपने को लघुत्तम प्राप्त होगा वो लघुत्तम प्राप्त होगा बच्चों बारह, ये छह बार जाएगा तो सिक्स वी माइनस कितना लिखेंगे बच्चों, बारह, प्लस ये चार बार जाएगा इस पे तो चार वी माइनस कितना लिखेंगे बच्चों, चार, यहाँ दो बार जाएगा तो बच्चों कितना लिखेंगे, दो वी माइनस का आठ बराबर कितना लिखेगा बच्चों, जीरो। अगर बारह को जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होगा, जीरो। अपने पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, छः वी माइनस बारह प्लस चार वी माइनस चार प्लस टू वी माइनस आठ बराबर कितना का बच्चों, जीरो। वी के मान काउंट करते हैं, छः चार दस और दो बारह, माइनस बारह माइनस सोलह और माइनस चौबीस बराबर कितना का बच्चों, जीरो। तो वी का मान जो प्राप्त हो जाएगा बच्चों अपने को, चौबीस बटा में बारह दो। यहाँ तक आप मान उतार लें बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको हमेशा ये साइन का ध्यान रखना है बच्चों, अगर प्लस के साथ प्लस जुड़ा है तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस, अगर ये माइनस होता है तो वहां क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे ये विरोध करा तो प्लस का प्लस अपन क्या लिखेंगे, वी माइनस कितना, दो, वी माइनस का एक और वी माइनस का चार। अब अपन बात करते हैं बच्चों, अपने पास जो वोल्टेज जिसे अपने ज्ञात था या अपने पास मान पता नहीं था, उसका मान कितना प्राप्त हो गया अपने को, दो वोल्ट। अब अपन धारा I1, I2 व I3 के मान ज्ञात कर सकते हैं, तो देखते हैं अपने पास मान ज्ञात करते हैं धारा I1, I2 व I3। ये धारा अपने पास बच्चों I1 का मान था, इसी प्रकार ये धारा I2 का मान था, और इसी प्रकार ये अपने पास धारा I3 का मान था। चेक करते हैं बच्चों, देखिए धारा I1, I2, I3 के मान कितने आते हैं, धारा I1 बराबर V का मान अपने पास कितना बच्चों प्राप्त हुआ, दो वोल्ट, तो अगर अपन दो में से दो घटा देते हैं तो आपके पास मान कितना प्राप्त होगा, जीरो एम्पीयर। कितना एम्पीयर प्राप्त होगा बच्चों, जीरो, यानी इस दो के परिवर्तन में प्रवाहित धारा इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो।
इसी प्रकार धारा I2 का मान देखिए बच्चों, 2-1 बटा में कितना लिखेंगे 3, तो अपने पास पर भाई धारा कितनी बच्चों 1/3 एम्पीयर। तो धारा I3 की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये प्रवाहित होगी हमारे पास 2-4 बटा में कितना लिखेंगे 6, तो बच्चों इसको सोल्व करें तो कितना है माइनस का 2/3, तो इसका मान कितना है बच्चों 2/6 माइनस का 1/3। अगर आपके पास माइनस का निशान आ रहा है तो ये प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, यानी प्रवाहित धारा जो I3 है बच्चों उसके प्रवाह की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी। तो अपने धारा I1 का मान कितना आएगा बच्चों 0 एम्पीयर, I2 का मान कितना आएगा 1/3 एम्पीयर, और धारा I3 का मान अपने पास कितना आया 1/3 एम्पीयर। अब अपन KCL के द्वारा इसे सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों इस बार इस धारा I1 का जो मान प्राप्त हुआ बच्चों वो कितना हुआ 0 एम्पीयर, इसी प्रकार धारा I2 का मान कितना हुआ 1/3 एम्पीयर, और इसकी जो दिशा अपने पास माइनस का मान प्राप्त हुआ तो प्रवाहित धारा की दिशा से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, 1/3 एम्पीयर। KCL के अनुसार बात करेंगे, ये अपने पास धारा I1 का मान कितना होगा बच्चों 0, ये भी जा रही है, ये अपने पास क्या है जा रही है, तो अपने पास बात करें कि जो ये जो प्रवाहित धारा की दिशा है उसकी दिशा अपने पास क्या बच्चों प्राप्त हुई, विपरीत हुई, यानी ये धारा अपने पास क्या थी आने वाली और ये अपने पास क्या है जाने वाली। तो I2 अब पास इस पॉइंट पे आ रही है, I3 आ रही है, तो इसे क्या लिखेंगे प्लस का, और I2 जा रही है तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों माइनस का, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 0, I3 1/3 माइनस का 1/3 बराबर कितना हुआ 0 प्राप्त होगा। कल बच्चों पर आगे के क्वेश्चन और करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो या टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हो टेक्निकल करियर कोचिंग के, तो आप जुड़ सकते हैं, और आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप उसके रिगार्डिंग डिस्कशन में आप लिंक से बता सकते हैं। DMRC में इस बार KCL के क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आप आराम से क्वेश्चन ढंग से समझते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।